मारबिहार में स्वागत। ब्रेक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पटना रहे हैं। कल पटना में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में रैली भी करेंगे। बता दें कि समस्तीपुर में सनी हजारी हैं कांग्रेस उम्मीदवार, तो मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों के लिए खड़गे चुनावी रैली करेंगे। मुझे लगता है कि पांचवें फेज के चुनाव में राहुल गांधी जी बिहार अवश्य आएंगे। वैसे इस फेज में आज ही रात को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, कल पटना में एक इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार हमारे बड़े नेता भी देश भर में और बिहार में भी चुनावी दौरा कर रहे हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना आने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने में काफी देर कर दी, कांग्रेस के लोगों को बिहार आना चाहिए। कांग्रेस के नेता बिहार आते कहां हैं? अब किसी कांग्रेस के नेता के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने विपक्ष के लोगों से पीएम के रोड शो में शामिल होने का आग्रह भी किया है। देश की आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है। पहले तो लोग प्रधानमंत्री जी को दूरदर्शन पर देख लेता था लोग, या टीवी पर या रेडियो पर सुन लेता था, लेकिन आज वास्तव में ये जनता के सेवक हैं, ये जनता के बीच आते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। जब ये पटना की सड़कों पर आएंगे तो बिहार की जमीनी सच्चाई पता चलेगा, बिहार में और कितना विकास करना है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, बिहार को कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना है, ये बिहार की जनता के लिए गौरव का क्षण है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आने वाले, सियासत काफी इस पर तेज हो गई है, राहुल गांधी ना सही खड़गे ही सही, वो बिहार की नजर तो कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पड़ी, क्या पूरा माहौल दिख रहा है कांग्रेस के, जो बिहार के जो नेता कितने उत्साहित है, और जो विपक्ष इस पर बिहार में अगर सियासत चल रहा है तो उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, राहुल गांधी भी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, और राहुल गांधी दूसरे फेज के तहत जब भागलपुर बांका में वोटिंग होनी थी तो 26 अप्रैल को, तो उससे पहले राहुल गांधी यहाँ भागलपुर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो तेजस्वी यादव भी उनके साथ मंच पे थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, कल इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुबह 11 बजे, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर दोनों जगह इंडिया गठबंधन की बेहतर संभावना दिख रही है। जहां तक बात है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे, तो लिहाजा रोड शो से एक माहौल तो बनता ही है। अब उस माहौल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस की कोशिश है, चूंकि पटना साहिब सीट पर खुद कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की कोशिश है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा कराई जाए और ताकि उसके पक्ष में एक माहौल बन सके। हमें देखना होगा कि मोदी के का रोड शो हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी सभा, किसका क्या असर रहा ये तो 4 जून को नतीजे में पता चलेगा। लेकिन ये बात है वही कि साल 2024 का चुनाव 2014 और 2019 की तरह नहीं है। कांग्रेस ने इस चुनाव को काफी गंभीरता से लिया है, उसने वैसे ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर वो चुनाव जीत सकती है या जहां पर वो बेहतर फाइट दे सकती है, इस बात का अंदाजा भाजपा को भी है। लिहाजा कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे, और तो वो क्या बात बोलते हैं क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना तो है कि कल उनकी एक बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और दो बड़ी अहम चुनावी सभा होने जा रही है। जी राकेश, शुक्रिया प्रीतम खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।